दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फेसबुक मार्केट प्लेस का बारे में। मुझे एक भाई ने कमेंट करके बताया फेसबुक मार्केट प्लेस को फेसबुक मार्केट प्लेस अकाउंट को कैसे डिसेबल करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे डीएक्टिवेट करना है। तो भाई मैं आपको बता दूँ, आप फेसबुक मार्केट प्लेस को आप डेडिकेटेड डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। यह अलग से अकाउंट नहीं है, यह आपका फेसबुक का साथ जुड़ा हुआ है। तो आप लोग अलग से डेडिकेटेडली आप लोग फेसबुक मार्केट प्लेस आइकन को या फिर यहाँ से अकाउंट को डिसेबल नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। अगर आप फेसबुक टॉप साइट में से मार्केट प्लेस आइकन को हटाना चाहते हो या से रिमूव करना चाहते हो या से टॉप साइट में से, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। इसके लिए मैं पहले ही वीडियो बनाया हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो या फिर आप लोग आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो उस वीडियो को। तो ये आप लोग ईजिली यहाँ पर आइकन को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आपका अकाउंट को डिसेबल नहीं कर सकते। अगर आपने फेसबुक मार्केट प्लेस में अकाउंट बनाया तो इसमें अकाउंट बनाने का ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली आपका आइटम अपलोड करना है और फ़ोन नंबर ऐड करना है। अगर ये दोनों किया हुआ है तो आप लोग आपका जितना भी आईटीएम है वो आईटीएम को डिलीट कर देना है और आपका फोन नंबर को कैंसिल कर देना है, व्हाट्सएप नंबर को कैंसिल कर देना है और आपका लोकेशन को ऑफ करके रख देना है, नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना है। बस इतना ही आपका, उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपका फेसबुक मार्केट प्लेस का तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोगों को जानना चाहते हो कैसे यह ऑन करना, कैसे ऑफ करना है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग वीडियो को यहाँ पे छोड़ सकते हो, आप लोग यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हो और आप लोग छोड़ के जा सकते हो। तो मैं यही बताने वाला हूँ लास्ट में। तो आप लोग कैसे फेसबुक अकाउंट का जो मार्केट प्लेस का नोटिफिकेशन है कैसे ऑफ कर सकते हैं और कैसे आइटम को आप डिलीट कर सकते हैं, जो भी आइटम अपलोड किया हुआ है, पब्लिश किया हुआ है, वो कैसे डिलीट कर सकते हैं, इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमीरुद्दीन, आप देख रहे हो टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग का स्वागत करता हूँ टेक्निकल अमीरुद्दीन चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार टेक्निकल अमीरुद्दीन चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेलकन आएगा उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोग को मिलते रहेगा। अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए ताकि वहाँ पर भी आप लोग ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देख लेते हैं कैसे आप लोग ये सब कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो आप लोग अगर आप लोग यहाँ से टॉप साइट में से आइकन को रिमूव करना चाहते हो तो इसके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ, आप लोग आई बटन पे क्लिक करके यही था नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके वो वीडियो को देख सकते हो। देख के यहाँ से आप लोग कैंसिल कर सकते हो आइकन को और यहाँ से आप लोग डेडिकेटेड आप लोग मार्केट प्लेस, ये जो मार्केट प्लेस है मार्केट प्लेस को आप लोग डिसेबल करना चाहते हो तो ये डिसेबल नहीं होगा। ये फेसबुक का फीचर है, ये डिसेबल नहीं होता है, डेडिकेटेड डिसेबल नहीं कर सकते क्योंकि ये डेडिकेटेड अकाउंट भी नहीं होता है, अलग से अकाउंट नहीं है, ये फेसबुक का साथ जुड़ा हुआ है। तो आप लोग ये डिलीट करना चाहते हो तो आप लोग को फेसबुक के अकाउंट ही डिलीट करना पड़ेगा। तो आप लोग इसके लिए इसका जो प्रोडक्ट है, अगर आप लोग कुछ प्रोडक्ट एडिट किया है, ऐड किया है या पब्लिश किया है, वो प्रोडक्ट को डिलीट कर देना है और आपका लोकेशन लोकेशन पूरा ऑफ करके रख देना है। तो यहाँ पे आप लोग प्रोफाइल में क्लिक करना है, क्लिक करके यहाँ पे आप लोग ये वाला लिस्टिंग में जाना है, ये वाला लिस्टिंग में जाके यहाँ से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैं अभी आप लोग को दिखाने के लिए इसे एक लैपटॉप का फोटो लगाया था। तो अगर यहाँ पे ये डिलीट करना चाहते हो, जो भी आपका यहाँ पे आइटम अपलोड किया हुआ है ये डिलीट करना चाहते हो, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो डिलीट लिस्टिंग आया है। तो आप लोग यहाँ पे डिलीट लिस्टिंग पर क्लिक कर देना, ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो ये डिलीट हो गया, ऐसा ही हो जाएगा। बाद में यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आपका प्रोफाइल देख सकते हो, फेसबुक मार्केटिंग प्रोफाइल। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके यहाँ से आप लोग यहाँ पे जो भी परमिशन एडिट किया है वो ये रिमूव कर देना है। अगर आपने व्हाट्सअप भी एडिट किया तो व्हाट्सअप यहाँ से आप लोग डिलीट कर सकते हैं। तो मैं ऐड नहीं किया इसलिए नहीं देखा रहा, तो और कुछ यहाँ पर डिलीट करने का ज़रूरत नहीं है। ये जो भी है ये आपका फेसबुक का प्रोफाइल का पूरा डिटेल्स है, यहाँ पर ये से नहीं जाएगा, ये रिमूव नहीं होगा। यहाँ पर क्लिक करोगे डायरेक्ट प्रोफाइल में आ जाओगे। और दूसरा मैटर है आप लोग फेसबुक का यहाँ पे लोकेशन लोकेशन पूरा तो ऑफ करके रख दिया, तो आप लोग करना क्या, अगर नोटिफिकेशन ऑफ करना चाहते हो, आपका उसमें नोटिफिकेशन आ रहा है फेसबुक मार्केट प्लेस का तरफ से, तो आप लोग नोटिफिकेशन को ऑफ करने के लिए आप लोग सेटिंग पर जाना है। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आके आप लोग देख सकते हो प्राइवेसी सेटिंग प्राइवेसी, तो आप लोग सेटिंग प्राइवेसी में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ पे सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है, यहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखाई देगा, मैं ढूंढ लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन सेटिंग, तो आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऐसा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग मार्केट प्लेस को ढूंढना है, मार्केट प्लेस नीचे रहेगा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर नीचे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट प्लेस। तो आप लोग यहाँ पे मार्केट प्लेस को यहाँ पे आने के बाद में ऐसे ही देख सकते हो ये ऑन रहेगा। तो अगर आप लोग नोटिफिकेशन नहीं चाहते हो मार्केट प्लेस का तरफ से तो आप लोग यहाँ पे ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद में
यह पूरा नोटिफिकेशन ऑफ हो जाएगा। मार्केट प्लेस का तरफ से कुछ भी नोटिफिकेशन आपका फेसबुक में या फिर आपको डायरेक्ट एसएमएस में नहीं आएगा, नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं, और डायरेक्ट क्लोज ये नहीं कर सकते। डायरेक्ट क्लोज नहीं होता है, यह अलग से अकाउंट नहीं है, ये फेसबुक का साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप लोग डिलीट करना चाहते तो साथ में आपका फेसबुक अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, और टॉप साइट में से निकलना चाहते तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो, मैं लास्ट में दे दिया हूँ, वीडियो का लास्ट में दिया हूँ, या फिर आप लोग को आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग रिमूव कर सकते या नहीं कर सकते, अगर फिर भी कोई भी मेथड आया, कोई भी तरीका आया, कोई नया अपडेट आया तो आप लोग को मैं अपडेट कर दूँगा। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करके जाइए, और हो सके तो अपना टेक्निकल अमीरुद्दीन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आप लोग को मिलते रहेगा। और दोस्तों आप लोग ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए, और इंस्टाग्राम ट्विटर में भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं पोस्ट डालते रहता हूँ, आप लोग को मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।